प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनम बामनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से, बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी प्रैक्टिकल्स के लिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू मेक स्लाइड, स्लाइड किस तरह से बनाई जाए, स्लाइड को बनाने के कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं और आप एक लैब में एक अस्थाई स्लाइड बनाने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करें। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि स्लाइड कैसे बनाई जाती है। देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम स्लाइड को बहुत ही बारीक पतले सेक्शंस में काट लेते हैं। पतले सेक्शंस में काटने के बाद हम उसे स्टेन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है स्लाइड बनाने के लिए है, वो है ऊतक अभिरंजन। ऊतक अभिरंजन करने का मतलब है कि ऊतक को किसी रंग से रंजित करना या रंग में रंगना। और हम जानते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स के जो वेजिटेटिव या पार्ट्स के हमेशा ट्रांसवर्स सेक्शंस काम में लिए जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत काट के हमेशा उन अंगों की होती है जो जनन या जनन संरचनाओं से संबंधित होते हैं। उन LS हमेशा जनन वाले भागों की काटी जाती है, जबकि TS हमेशा कायक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती इत्यादि की काटी जाती है। तो इसमें पहला स्टेप है ऊतक को अभिरंजित करना। बॉटनी में आप सभी ऊतकों को अभिरंजित करने के लिए सेफ्रेनिन का प्रयोग करते हैं, जबकि जूलॉजी में सेफ्रेनिन के स्थान पर ईओसिन लिया जाता है। दूसरा इसमें जो मेथड है, दूसरा जो स्टेप इस मेथड में आता है, वो है ऊतक का आरोपण करना। आरोपण करने का मतलब है कि स्टेनिंग की क्रिया के बाद आप उसे ग्लिसरीन से माउंट करते हैं। तो माउंटिंग की इस प्रोसेस में आप अभिरंजित किए गए टिश्यू को ग्लिसरीन की बूंद से माउंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी तरह का उसमें एयर बबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। आखिरी और तीसरा स्टेप जिसमें है कि कवर स्लिप से ऊतक को ढकना। आप एक साफ सुथरी कवर स्लिप लेकर ऊतक को अभिरंजित और आरोपित ऊतक को कवर स्लिप को चिमटी से पकड़कर ढकते हैं। तो ये तो आपके तीन स्टेप थे जिनसे ये पता लगता है कि स्लाइड किस तरह से अपनी प्राइवेट लैब में आप बनाते हैं। तो ये तरीका आपका होता है। आप इसमें देख रहे हैं कि ड्रॉपर है। ड्रॉपर स्लाइड एक कांच की पतली पट्टी होती है। ये माउंटिंग की प्रोसेस है जिसमें कि ग्लिसरीन से उसे माउंट किया जा रहा है। ब्रश की हेल्प से वाच ग्लास में रखे गए टिश्यू को स्लाइड पर रखा गया है, ये देखिए। और चिमटी की सहायता से या निडल की सहायता से एक हल्का सा दबाव देते हुए इस आरोपित और अभिरंजित ऊतक को ढक दिया जाता है और फिर इसे सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देख लिया जाता है। तो यह विधि है आपके स्लाइड बनाने की विधि, कि अस्थाई स्लाइड आप अपनी प्रायोगिक परीक्षा या प्रायोगिक प्रैक्टिस के दौरान किस तरह से बनाएं। वीडियो देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।